अजय साबुन खत्म हो गया है, दूसरा ले लीजिए। वो अलमारी की चाबी हमें दे दीजिए, हम लेकर आते हैं। अरे जानवी, ये तो दो तीन दिन आराम से चल जाएगा। हमने देखा तो बिल्कुल छोटा सा था। चलिए छोड़िए। अरे आ गए आप। हाँ। ले आए। ले दीजिए, हम रसोई में रख देते। अरे नहीं, इसमें अपनी अलमारी में रखूंगा ना। तुम्हारा क्या पता, तुम तो एक दिन में सारा राशन खत्म कर दो। हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है। आपने खाने की चीजों में हिसाब मत किया कीजिए। और अलमारी की चाबी भी तो नहीं देके जाते हो आप। अच्छा वो छोड़िए, आप हमारे लिए वो हमारी फेवरेट चॉकलेट लेकर आए हो। बहुत दिन से कह रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि ले आता। तुम्हें चॉकलेट। हम कब से इंतजार कर रहे थे कि हमारे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे। ये लो खाओ। ये क्या जी? चॉकलेट खाओ। इतनी सी चॉकलेट? अरे तो एक दिन में कौन सारी खा जाओगी। खाओ खाओ। अगर हमारे लिए चॉकलेट लेके आए तो हमें पूरी तो दे दो। इतनी सी चॉकलेट खाएंगे हम? इसको आराम से खाना चाहिए। चॉकलेट को आराम से हर रोज एक एक पीस खाना चाहिए। अरे तुम्हें पता है चॉकलेट में शुगर होती है। अब तुम चाहती हो कि तुम मोटी हो जाओ शुगर से? नहीं ना। अरे आराम से खाना चाहिए। काम आप हमारे लिए वैसे भी रोज रोज नहीं लेकर आते हो। एक चॉकलेट खाने से कौन सा हम मोटी हो जाएंगे। हमें दे दीजिए पूरी चॉकलेट। कल दूंगा अगला पीस, ठीक है? अभी काम करने का मेरे को। ये ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे सुनिए ना, वो आपको पिताजी याद कर रहे थे, हम आपको बताने भूल गए। जाइए जाइए। जब मैं आया तब बताते ना। अरे जाइए, हम भूल गए थे। पापा को वेट करा दिया। तुम तो कह रही थी पापा जी हमें बुला रहे थे। वो तो कह रहे नहीं बुलाया। अच्छा अच्छा, रुकिए हम पूछ के आते हैं। पूछ क्या है लड़की? कपड़े भी नहीं उठाए उसने। वही करना पड़ता सारा काम। राशन, चाबी, लॉक लगा देता हूँ। और बता जानवी, तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? मेरे पति तो इतने अच्छे हैं ना कि मैं क्या बताऊं। मुझे बस मुंह से एक बार बोलने की जरूरत होती है कि मुझे ये चाहिए। मेरे पति मुझे उसी समय लाके दे देते हैं। शादी के बाद लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ है ना, हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। पता कल ही हम उनसे कहे कि घर में अच्छा टेलीविजन नहीं है, तो शाम को ही लेकर आ गए। वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कहीं साथ घूमने का प्लान बनाते हैं, तेरे और मेरे पति की खूब जमेगी। हाँ बोल तो तू एकदम सही रही है, पर वो कहा है ना, हम पिछले हफ्ते ही गोवा जाकर आए हैं और अभी उनको ना ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, पर कोशिश करेंगे। हाँ हाँ कोई नहीं, आराम से पूछ। चल ठीक है, बाय। देखा आपकी वजह से हमें अपने दोस्त के पास कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या हो गया? हमारी हमारे दोस्त से बात हो रही थी और अपने पति के बारे में बता रही थी कि कैसे छोटी से छोटी चीज मांगते हैं ना तो उसे तभी मिल जाता है। और देखिए, एक हमारा पति है, एक चॉकलेट मांगते हैं, एक तो छोटा सा टुकड़ा काट के देते हैं। पॉलिटिशियन बने झूठे। आपको हमारी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? अरे जो तुम्हारी दोस्त है ना, वो तुम्हें झूठ बोल रही है, जैसे तुम उसको झूठ बोलती हो। जान सब मोह माया है, तुम नहीं समझोगी। हमें कुछ नहीं सुनना, बस हमें बाहर लेकर चली गई। शिमला में पड़ी बर्फ और 11 लोग।
आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते? अरे कहाँ जाना है तुम्हें? हमें नहीं पता, बस हमें लेकर चलिए। सबसे पहले तुम वो दोस्त है ना, उससे बातें करना बंद कर दो। वो तुम्हारा दिमाग खराब करती है और तुम मेरा। आप हमें बाहर क्यों नहीं लेके जाते हैं? कहाँ जाना है तुमने घूमने? तुम एक बात समझो, अगर हम बाहर घूमने जाएंगे तो पता कितने खर्चे होंगे? आने जाने का खर्चा, वहां पे रहने का खर्चा, उसके बाद तुम्हारी शॉपिंग भी तो होगी, हजारों खर्चे हो जाएंगे। कितना समझे, हमेशा हम ही समझते रहते हैं। अच्छा ठीक है, अगले हफ्ते तक देखते हैं कुछ। अगले हफ्ते नहीं, हमें आज जाना है, बस बस बस। क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो तुम? क्या हो, हमें काम करने दो, ख्वाब पालती रहती हो बाहर घूमने के। हमें चाबी दीजिए, हमें राशन निकालना है। क्या नीला, मेरे को बता दो, मैं निकाल देता हूँ। हमें चाबी दीजिए, हम खुद निकाल लेंगे। और सुनिए, हम आपकी पत्नी है, हाँ हम जो चाहे वो ले सकते हैं। दीजिए चाबी। ठीक है जान। और सुना, राशन देने के बाद चाबी वापस दे देना। जब हमारा मन करेगा ना, हम तभी देंगे, ठीक है ना? हमको 5,000 रुपये चाहिए। 5,000 रुपये किस लिए? फेड़ पे उक देंगे इतने पैसे। अब आप तो हमें बाहर कहीं लेके नहीं जाने वाले, तो हमने सोचा अपनी फ्रेंड के साथ बाहर ही घूम लेंगे। क्या करना बाहर घूम के, घर में रहो। तुम्हें जाना तो चले जाओ, पर हम पैसे नहीं देंगे। इतना कमाने के बाद भी अपनी बीवी को नहीं देंगे तो किसके लिए जमा कर रखे इतने पैसे आपने? मैं तुम्हारे ना बेफालतू के खर्चों के लिए, घूमने के लिए नहीं पैसे कमा रहा। तुम कमा के देखो तो फिर पता चले कि तुम कितना खर्चा करती हो। अच्छा ठीक है, फिर तो आज के बाद घर के बर्तन, कपड़ों की सफाई, घर का काम, झाड़ू बर्तन कुछ भी नहीं होगा। ना ही मम्मी जी पापा जी को खाना मिलेगा और ना ही आपको। पापा जी को किस समय दवाई देनी है ये हम नहीं सोचेंगे, सारा का सारा काम आप करेंगे, ठीक है ना? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? घर का काम घर की बहू नहीं करेगी तो कौन करेगा? अब नौकरी करके पैसा भी हम कमाए और घर की जिम्मेदारी भी हम ही उठाए, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? तुम नौकरी करोगी तो घर का भी तुम्हें करना पड़ेगा ना। आप हमें घर संभालने के लिए पैसे भी ना दो और बदले में हम सारा घर का काम भी करते रहे और अब हम नौकरी भी करें ताकि घर की जिम्मेदारी के साथ साथ पैसे कमाने की टेंशन भी हमारे सर पे आ जाए। अगर आपको पति होने की कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी है ना, तो हम भी पत्नी की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। संभालो घर अपने आप। तुम तो बुरा ही मान गई। देखो अगर तुम घर का काम नहीं करोगे तो मैं अच्छे से नौकरी कैसे करूंगा, तुम समझ रही हो ना? तो लाइए, दीजिए हमें 5,000 रुपये और हर महीने के 10,000 रुपये देंगे आप हमें। 10,000 रुपये? हाँ, नहीं तो? पर 10,000 तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, हम जाते हैं। ठीक है, दे देंगे। ठीक है, आप मान ही गए तो आपके लिए रसोई में कुछ बना के आते हैं।